जय दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई, गदर का गुरूर टूटेगा, इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर बातें शुरू हो चुकी हैं। दरअसल इन सब बातों के शुरू होने का कारण ये है कि अभी कुछ दिनों में जवान की जो एडवांस बुकिंग है वो विदेशों के कई सारे सर्किट में शुरू हो गई हैं, और जवान की एडवांस बुकिंग वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि इस बार जवान इतनी बड़ी ओपनिंग लेने वाली है कि अकेले अकेले विदेशों में ही वो 50 करोड़ की ओपनिंग करेगी। और देखिए, शाहरुख खान की जो लोकप्रियता है वो विदेशों में काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे में शाहरुख खान की मूवी जवान यदि भारतीय सर्किट के अलावा विदेशी सर्किट में ही 50 करोड़ की ओपनिंग करती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। अब गदर का गुरूर टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये तो हमें वक्त बताएगा। फिलहाल अगर हम लोग जवान की एडवांस बुकिंग की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म जवान के लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और पठान की साल की शुरुआत में जो उनकी एक ब्लॉकबस्टर आई थी, उस फिल्म को देखकर तो उनके फैंस और ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस को ऑलरेडी बढ़ाकर बैठे हुए हैं। दर्शक उनकी, मतलब शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म से भी खासी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं जवान से। 7 सितंबर को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म की विदेशों में एडवांस बुकिंग शुरू भी हो चुकी है। इसी बीच UAE में एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें कि पठान शाहरुख खान की फिल्म जिसमें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान को उनकी फिल्म जवान पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रही है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि UAE में जवान की बुकिंग इसके रिलीज से 3 हफ्ते पहले शुरू कर दी गई। वहीं अब इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आ गए हैं जो कि खास से चौंकाने वाले हैं। दरअसल वेंकी रिव्यूज़ और सेक्नल के अनुसार फिल्म के रिलीज से 3 हफ्ते पहले ही इसके 4,800 टिकट्स बिक चुके हैं। आने वाले दिनों में जवान के रिलीज लोकेशंस और शो और बढ़ाए जाएंगे, जिसके की बाद में UAE में जवान को पठान में भी बड़ी शुरुआत मिलने की उम्मीद की जा रही है। SRK की पठान ने उत्तरी अमेरिका में पहले दिन करीब $1.85 मिलियन की कमाई करी। वहीं जवान के अमेरिका में पठान के ओपनिंग डे कलेक्शन से ज़्यादा कमाई करने की पूरी संभावना है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पठान विदेश में 37 करोड़ का ओपनिंग डे कलेक्शन कर चुकी थी। वहीं उसकी तुलना में इटली के निर्देशन एवं जवान से 50 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन की एक एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं। जवान में जहां सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ नयनतारा नज़र आने वाली हैं, तो वहीं इस फिल्म में नयनतारा और सान्या मल्होत्रा भी अपनी एक्टिंग का तगड़ा इस समय तड़का लगाते हुए नज़र आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका इस फिल्म में एक कैमियो करती हुई भी नज़र आएंगी, लेकिन इतनी सी इन्फॉर्मेशन से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का पेट भरेगा। आप लोगों को थोड़ी और तरीके से ज़रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि आपको ज़रा और भी समझ में आए कि भाई चीज़ें किस कदर इस समय कलेक्शन के ऊपर फोकस्ड होती जा रही हैं, और आने वाले समय में तो भाई क्या ही बताएं। दरअसल आज की तारीख में अगर हम सीधे तौर पर बात करें ना, तो जब हम किसी भी मूवी के रिलीज़ होने की बात करते हैं तो हर कोई यही कहता है कि यार ये मूवी रिलीज़ होकर आएगी तो इसके रिव्यू देख लेंगे, लेकिन आज की तारीख में रिव्यू नहीं मतलब उसका कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और कलेक्शन जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी बात आ जाती है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पठान ग्रॉस्ड 1.85 मिलियन ऑन द ओपनिंग डे इन नॉर्थ अमेरिका एंड जवान विल बी लुकिंग टू आउटग्रॉस दैट नंबर कम्फर्टेबली। मतलब पठान से ऊपर जाएगी जवान, ये बात की जा रही है। जो दूसरे मार्केट्स हैं जहाँ पर कि एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, वहाँ पर भी कुछ सिमिलर पिक्चर ही देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें जो ट्रेड है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जवान ओवरसीज़ में 50 करोड़ की ओपनिंग लेगा, जो कि बॉलीवुड की एक बिगेस्ट ओपनिंग होगी विदेशों में, जो कि बीट करेगा पठान को जिसने कि 37 करोड़ की ओपनिंग करी थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने, और जवान एक ऐसे इंसान की कहानी को बयां करती है जो कि अपनी कुछ गलतियों को जो उसने सोसाइटी के साथ करी थी उसके साथ, और सोसाइटी कुछ गलतियों को सुधारने के लिए काम करता है एक महिलाओं के ग्रुप को लेकर। इसमें शाहरुख खान ड्यूअल रोल में है, इनके साथ में नयनतारा हैं, विजय सेतुपति हैं, प्रियमणि हैं, सान्या मल्होत्रा हैं, और दीपिका पादुकोण संजय दत्त इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इन द USA जवान इज़ ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट एंड हैज़ ऑलरेडी सोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 9700 टिकट्स वर्थ 151,000 फ्रॉम 667 लोकेशंस। मतलब कि जवान जो है ऑलरेडी USA में काफ़ी अच्छी ओपनिंग कर चुकी है, ऑलमोस्ट 10,000 टिकट बेच चुकी है, और 23 अगस्त को सुबह 9:30 बजे की ये रिपोर्ट है जिसमें कि 367 लोकेशंस की यहाँ पर बात की जा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पर शोज़ को बढ़ाया भी जाएगा, और जिस तरीके से प्रोजेक्ट हो रहा है तो मूवी जो है पठान से ज़्यादा बड़ी हिट होने वाली है। तो पठान को साथ साथ और पता नहीं गदर को तो ओवरसीज़ में बिल्कुल मात देगी, क्योंकि गदर की ओवरसीज़ में इतनी कोई खास कलेक्शन हुआ नहीं है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि भैया जवान जो है अच्छी खासी कमाई करने वाली है। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।